मूंगफली जिसे टाइम पास के नाम से जाना जाता है। मूंगफली में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की वजह से इसको गरीबों का बादाम भी कहते हैं। मूंगफली में कई विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट की वजह से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी ये मात देता है। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर की गृह विज्ञान की वैज्ञानिक डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि मूंगफली में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कई बीमारियों को रोकने में मददगार है। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। मूंगफली में मौजूद फाइबर और प्रोटीन वेट लॉस करने में मदद करता है। मूंगफली में पाए जाने वाला फाइबर शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे ये स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स को खत्म करने में मददगार है। मूंगफली में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फेफड़ों के कैंसर से लड़ने में मुफीद है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन की वजह से कुपोषण को भी ये मात देता है। मूंगफली का नियमित तौर पर सेवन करने से ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी बीमारियों को भी दूर रखता है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि रोजाना एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन किया जा सकता है। मूंगफली को कच्चा, भिगोकर, अंकुरित करके, भूनकर, नमकीन बनाकर, गुड़ की चिक्की, लड्डू बनाकर या फिर इसका पीनट बनाकर भी खाया जा सकता है। पीनट बेहद पौष्टिक होता है। सहारनपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। मूंगफली को हम लोग अक्सर जो है टाइम पास के लिए खाते हैं और गरीबों का बादाम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये काफी सस्ता होता है और सभी लोगों की पहुंच में होता है और इसमें जो है बहुत सारे गुण होते हैं। पोषक तत्वों की बहुत अच्छी मात्रा होती है मूंगफली में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम और बी विटामिन्स, ये सब जो है बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर से बचाव में भी ये मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर को पोषण देता है और कुपोषण से लड़ने में ये काफ़ी मददगार होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए कुपोषण को दूर करने में भी या कम करने में भी काफ़ी मददगार होता है। और मूंगफली को हम लोग जो है केवल भून के ही नहीं, इसको हम भिगो करके कच्चा भी खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं और मूंगफली को जो है तरह तरह के व्यंजन और नाश्ता बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मूंगफली को हम चिक्की, गुड़ के साथ इसकी चिक्की बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। मूंगफली जो है इतना ही नहीं, हमारे त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें भी जो है काफ़ी मददगार होती है और ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब बीमारियों में भी ये काफ़ी मददगार होती है और हमें जो है इससे काफ़ी फायदा होता है। कितनी मात्रा में हम ले सकते हैं? हम प्रतिदिन एक मुट्ठी मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं और मूंगफली केवल ऐसे भून करके खाने में ही नहीं, इसका हम पीनट बटर वगैरह भी बना सकते हैं, जो कि जो है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है।